नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। न्यूजीलैंड के मशहूर पूर्व क्रिकेटर क्रिस कैंस को लेकर एक निराश करने वाली खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में रह रहे क्रिस कैंस की इमरजेंसी हार्ट सर्जरी करनी पड़ी थी, जिसके बाद वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। क्रिस के वकील के अनुसार अब उसी ऑपरेशन की वजह से क्रिस के पैरों में लकवा मार गया है। फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ वापस कैनबरा चले गए हैं, लेकिन एक स्पाइन हॉस्पिटल की मदद से उनकी पैरालिसिस से रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। न्यूजीलैंड बेस्ड न्यूज वेबसाइट stuff.co.cz की एक खबर के मुताबिक 2000 के दशक के पूर्व ऑलराउंडर 51 वर्षीय कैंस को इसी महीने 10 अगस्त को हार्ट की दिक्कत हुई थी। उनके दिल तक जाने वाली एक आर्टरी की अंदरूनी परत क्षतिग्रस्त हो गई थी। आनन फानन में सिडनी के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में उनकी कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी की गई, जिसके बाद वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। क्रिस के वकील एरन लॉयड ने न्यूजीलैंड न्यूज मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है, क्रिस का जीवन बचाने के लिए की गई इमरजेंसी हार्ट सर्जरी के दौरान उन्हें स्पाइन में एक स्ट्रोक पड़ा है, जिसके चलते उनके पैरों में लकवा मार गया है। क्रिस ऑस्ट्रेलिया के एक स्पाइन केयर हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में रहेंगे। क्रिस की फैमिली उनकी हालत में सुधार के लिए जो भी कर सकते हैं कर रही है। क्रिस के परिवार की तरफ से उन्होंने कहा, इस मुश्किल वक्त में हमें जो पब्लिक सपोर्ट मिला है हम उसकी सराहना करते हैं। इसके अलावा हमारी प्राइवेसी का सम्मान रखने के लिए भी हम सभी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि आगे इस बारे में जो भी खबर होगी वो देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि इसमें वक्त है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से न्यूजीलैंड क्रिकेट के CEO डेविड वाइट का एक बयान आया है, जिसमें लिखा गया है, हम क्रिस कैंस की मेडिकल कंडीशन के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हैं। हमारी संवेदनाएं ऑस्ट्रेलिया और यहाँ न्यूजीलैंड में उनके परिवार के साथ हैं। क्रिस एक बहुत अच्छे पति, पिता और बेटे हैं और हमारे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं। हमें उम्मीद है कि वे पूरी तरह से ठीक होंगे। कुछ खिलाड़ी मैदान के अलावा जिंदगी में भी हार जीत का खेल खूब खेलते हैं, उनमें से एक हैं क्रिस। 90 के दशक के किवी ऑलराउंडर क्रिस कैंस का जिंदगी से संघर्ष अब तक जारी है। पहले बहन की ट्रेन हादसे में मौत, फिर मैच फिक्सिंग का झूठा आरोप, उसके बाद आर्थिक दिवालियेपन के हालात और अब ये बीमारी। एक ही जिंदगी में कितना कुछ अच्छा बुरा दिख सकता है, ये क्रिस की कहानी से आसानी से समझा जा सकता है। 13 जून 1970 को पैदा हुए क्रिस मूल रूप से कैनबरा के रहने वाले हैं। क्रिस 2006 तक न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे। लंबे कद के क्रिस आक्रामक बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और ज़बरदस्त फील्डिंग के लिए जाने जाते थे। हालांकि रियल सेफ्टी अवेयरनेस के लिए 1001 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने से उन्हें चोट आ गई थी। इस चोट के चलते उनकी गेंदबाजी पर फर्क पड़ा था। 1993 में एक रेल हादसे में उन्होंने अपनी बहन लूसी को खो दिया था। बिना गेट वाली एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक और ट्रेन की भिड़ंत में लूसी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्रिस ने एक फाउंडेशन बनाकर ऐसी क्रॉसिंग पर बरती जाने वाली सुरक्षा के लिए व्यापक अभियान चलाया था। 2008 में इसी अभियान के दौरान क्रिस ने करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। 2006 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से दूर होने के बाद कैंस दुबई शिफ्ट हो गए थे और डायमंड का बिजनेस करने लगे। कैंस ने अपनी पत्नी मिलानी क्रोसर को प्रपोज करते वक्त 302 कैरेट का हीरा दिया था, लेकिन फिक्सिंग का दाग लगने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। साल 2014 में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लू विंसेंट मैच फिक्सिंग के 18 मामलों में दोषी पाए गए। लू विंसेंट को बैन कर दिया गया, लेकिन विंसेंट ने क्रिस पर यह आरोप लगाया कि उनके कहने पर ही विंसेंट ने मैच फिक्सिंग की थी। जांच हुई, लेकिन क्रिस कैंस पर लगा कोई आरोप सच नहीं पाया गया। हालांकि इस सबसे जूझने के दौरान क्रिस की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। क्रिस को ऑकलैंड के शेल्टर में बस धोने और रोड पर पानी छिड़कने वाले वाटर ट्रक चलाने का काम भी करना पड़ा। आज गंभीर बीमारी से जूझ रहे 51 वर्षीय क्रिस 90 के दशक में न्यूजीलैंड के लिए मैच विनर खिलाड़ी थे। साल 2000 में इस खिलाड़ी ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए नाबाद शतक ठोका था। इस मैच में सचिन और सौरभ वाली भारतीय क्रिकेट टीम की हार हुई थी और भारत का चैंपियन बनने का सपना टूट गया था। क्रिस ने कुल 62 टेस्ट और 215 वनडे के अलावा 2 T20 भी खेले हैं। इस स्टार कीवी ऑलराउंडर ने टेस्ट में 5 सेंचुरी, 22 हाफ सेंचुरी और वनडे में 4 सेंचुरी और 26 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। इसके अलावा टेस्ट में कांस ने 13 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है।
लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर कांस ने टेस्ट करियर में 87 छक्के जड़े। इस मामले में वो क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट में 7वें नंबर पर हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी विपिन ने। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।